हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12th जियोग्राफी क्विज अभ्यास का फुल सोल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक एक क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक एक दिया हुआ है ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, छोटी बस्तियां, प्राथमिक क्रियाकलाप, कम गतिशीलता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है नगरीय बस्तियों का लक्षण है। तो इसका इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अपेक्षाकृत बड़ी बस्तियाँ, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत जीवन का जटिल होना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है पल्लीकृत बस्तियों का स्थानीय नाम है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पान्ना, पाड़ा, पाली, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है भारत में परिक्षिप्त बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं, पर्वतीय भागों तथा केरल में, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में, बिहार तथा राजस्थान में, गंगा के मैदान तथा हरियाणा में। इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा पहला, पर्वतीय भागों तथा केरल में। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है नगरीय बस्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 5000 से अधिक जनसंख्या, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व, 75% से अधिक कार्यशील पुरुष गैर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। चौथा दिया हुआ है 75% से अधिक कार्यशील पुरुष प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, 75% से अधिक कार्यशील पुरुष प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर छठा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3, 4, 5, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, 6। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सातवां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां दिया हुआ है नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को प्रथम वर्ग का नगर कहा गया है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए, 1 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला, 1 लाख से अधिक। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आठवां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, 45, 53, 62, 65। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, 53। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।